भाजपा ने तो 5 किलो राशन में सब खरीद लिए। ये तो बहुत ही भ्रष्टाचार है, जाति पाति वाले हैं, हम इनको सांसद बनाना ही नहीं चाहते। युवा लोग अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं, सारी जनता परेशान है तानाशाही से। कोई कुछ कहना चाहता है उसी की आवाज दबा दी जाती है। जब भी कोई अपने हक की आवाज उठाना चाहता है उसी की आवाज को दबा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। जो लोग भाजपा में आ जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आरोपी हो, कितना भी बड़ा घोटालेबाज हो, उसमें जाकर के वो सही हो जाता है। क्या तरक्की देखी है बताओ? किसी को किसी के नाम पे मार रहे हैं, की तरक्की हुई है? दाढ़ी वाले को मार रहे हैं, टोपी वाले को मार रहे हैं, की तरक्की हुई है हिंदुस्तान के अंदर? बताइए। आज सिलेंडर 1000 के पार हो गया। अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, और आज जो तेल है 105 में था, जो कांग्रेस के राज में 50 में तेल था, इतनी दूरी महंगाई बढ़ गई। कोई बालक लगभग लाख ना छोड़े, और बालकन को पढ़ा पढ़ा मर गए और नौकरी ना मिल रही, तो बताओ खाए कितना पढ़ावे। उनके केवल सिर्फ मन की आजादी है, लेकिन देश की बर्बादी है। देश कंगाल हो गया, 20 साल किसान पीछे हो गया, 20 साल युवा पीढ़ी पीछे हो गई, कोई नौकरी नहीं। जिस किसी से भी बात करता है तो उसी से ये बोलता है कि तुमने तेमिल का जूस पी रखा है, इतना भ्रष्ट हो गया है, और देहात में जाकर झांक के नहीं देखता है। वो 400 पार भी कह रहे हैं, मैं आपके कह रहा हूँ आपके 400 हार होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में। जिस तरीके से जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसका ऐलान जो है हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना जनता से ही जान लें कि जनता का क्या मूड है और किसके किसको चुनने के मूड में है वो, क्योंकि इंडिया वर्सेज एनडीए लगातार जो है चल रहा है। इंडिया वर्सेज एनडीए में काफी जो है भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है, तो जनता से जान लेते हैं किसको चुन रही है, क्या लग रहा है, कौन सी सरकार बनेगी इस बार? इंडिया गठबंधन की बनेगी। हाँ, इंडिया गठबंधन को ही हम चाहते है। हाँ, किसकी सरकार को चाहते हैं? इंडिया गठबंधन। क्यों? कोई काम ही नहीं कर रहा है सही। बीजेपी भ्रष्टाचार है, एमपी जाती नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। अलीगढ़ का सांसद सतीश गौतम यूपी का सबसे भ्रष्ट सांसद है, जिसने 10 साल के अंदर कोई भी कार्य अलीगढ़ के लिए नहीं किया है। जिस किसी से भी बात करता है तो उसी से ये बोलता है कि तुमने तेमिल का जूस पी रखा है, इतना भ्रष्ट हो गया है, और देहात में जाकर झांक के नहीं देखता है। क्या कहेंगे? महंगाई है, महंगाई है, और सबसे ज्यादा आम जनता परेशान है। समझे जी, आम जनता तो कह रही है कि हम भाजपा के राज में खुश हैं। कुछ नहीं हुआ, भाजपा का राज इस राष्ट्र का सबसे भ्रष्ट राज्य है। इंदर सिंह और आपके अलीगढ़ की जनता और यूपी की जनता इंडिया गठबंधन को जिताने का कार्य करेगी, और बीजेपी के भ्रष्टाचार और इस, लेकिन पहले ही चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि 2024 में हम ही आएंगे, उसको लेके क्या कहेंगे? ये उनके उनका कहना है, वो 400 पार भी कह रहे हैं, मैं आपके कह रहा हूँ आपके 400 हार होगी। हाँ। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजवीर सिंह है, मैं पिसावा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। ये जो हमारे सतीश गौतम सांसद थे, ये तो बहुत ही भ्रष्टाचार हैं, जाति पाति वाले हैं, हम इनको सांसद बनाना ही नहीं चाहते हैं। हम केवल सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह को ही बनाएंगे। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ, और तो एक दुकान है, दुकान करता हूँ छोटी सी बाजार के अंदर। क्या कहेंगे बाबा? मैं नोखंगा लली, 1947 से ऐसी सरकार कोई नहीं आई। वो जाते बहुत आदमी दुखी है। हाँ। जाने मान लो 172,000 तो शिक्षा मित्र सब बेकार कर दी, और शिक्षा बेकार कर दी, अब भर्ती नहीं कह गई, कोई बालक लगभग लाख ना छोड़े। हाँ। वो बालकन को पढ़ा पढ़ा मर गए और नौकरी ना मिल रही। हाँ। तो बताओ खाए कितना पढ़ावे। समाजवादी पार्टी जाने कुछ ना करके, मतलब भाजपा के जो नेता है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ ना करो, कुछ दिखन ना है, कुछ ना करो। भाजपा ने एक जो महिला है कंगना रनौत, जो एक्टर है, उनको टिकट दी है, वो कह रही है कि हमें असली आजादी तो 2014 के बाद मिली है। अच्छा। हाँ। ये तो असली काम 2014 के बाद ही हुआ है, दूसरा तो लोकल आजादी है, जाने तो मतलब भाजपा के नेता नहीं कर रहे हैं, ये कागजों में ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जेलों में भरने की आजादी मिली है और किसी की आजादी नहीं मिली। 1947 सरकार आई ली,
उनके केवल सिर्फ मन की आजादी है लेकिन देश की बर्बादी है। तो इस कंगाल हो गया, 20 साल किसान पीछे हो गया, 20 साल युवा पीढ़ी पीछे हो गई, कोई नौकरी नहीं। युवाओं से पूछे, देश तो आगे बढ़ गया ना, देश तो विकास कर रहा है। मैडम देश गड्ढे में चला गया, उनको जवाब देना चाहिए ना, देश तो गड्ढे में। मैडम ये देखिए किसानों, किसान जो रात में सोते हैं खेतों पे, ये गाय इतने साढ़ हो गए है ना, किसान सो रहा है ठंड में है ना, गाय भैंस आ रही है। अलीगढ़ से गोंडा रोड देखा आपने कभी, गए हो वहाँ पे? वहाँ पे देखिए सतीश गौतम दो बार हो चुके हैं और वहाँ पे राज भी दिलेर हो गए दो बार, आज तक कोई गड्ढा नहीं बढ़ा। इतनी सड़क खराब है, जो कि ब्लॉक से जिले के लिए रोड जो जा रही है वो आता, उसमें इतने गड्ढे हैं तो कोई जा नहीं पाता है ना। आप देखिए क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने आज तक, कुछ क्या क्या किया है। मतलब इस बार आप बदले के मूड में हैं, कौन आएगा फिर, कौन आएगा? खेतों में ताल लगा दिए हैं, कौन आएगा फिर है? ये तो बिजेंद्र सिंह ही आएंगे, सांसद जो होंगे चौधरी बिजेंद्र सिंह होंगे, और किसानों की शान मान चौधरी बिजेंद्र सिंह होंगे, दलितों और संविधान को बचाने वाले एक चौधरी बिजेंद्र सिंह होंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें चौधरी बिजेंद्र सिंह को क्या योजनाएं आपके लिए लेके आए हैं जो आप उनको वोट दे रहे हैं? वोट हम उनको दे रहे हैं। आज सिलेंडर 1000 के पार हो गया, अच्छा महंगाई बहुत बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, और आज जो तेल है 105 में था, जो कांग्रेस के राज में 50 में तेल था, इतनी दूरी महंगाई बढ़ गई। हम ये कहना चाहते हैं, युवा लोग अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं, सारी जनता परेशान है तानाशाही से। कोई कुछ कहना चाहता है उसी की आवाज़ दबा दी जाती है। तानाशाही कहाँ कर रहे हैं, जनता के लिए समर्पित होके काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं। जब भी कोई अपने हक की आवाज़ उठाना चाहता है उसी की आवाज़ को दबा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तमाम ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया। अभी जिन पे आरोप लगाए जाएंगे उनको तो जेल में डालेगी ना सरकार। अब इसमें एक चीज है, जो लोग भाजपा में आ जाते हैं चाहे कितना भी बड़ा आरोपी हो, कितना भी बड़ा घोटालेबाज हो, उसमें जाकर के वो सही हो जाता है। कांग्रेस के नेता ही भाजपा में जब शामिल हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? काहे को बुला रहा हूं, डर की वजह से शामिल हो रहे हैं। ईडी और सीबीआई का जो है उनको डर लग रहा है, इस वजह से उसमें शामिल हो रहे हैं। 2022 तक दोगुनी किसानों की करो कीमत, किसान की तो भईना है, 15 लाख खाते में आ रहे, खुलवा खाते, गरीब बंद खाते खुलवा ले, सुनो है। और फिर जो है दोगुनी तो भई नहीं, और डीजल पेट्रोल खाद कहाँ पहुँचेगो है किसानों को, जो आमदनी किसान के लिए वो तो बढ़ेगो खर्चा, किसान की बच्चों की पढ़ाई बढ़ गई, कौन मिल लो शिक्षा में इतनी बढ़ोतरी कर दी है, आप कह रहे हैं शिक्षा कुछ नहीं कर रहे? पहले ही शिक्षा, पहले में बालक प्राइमरी के पढ़े भाई, दिल्ली पुलिस में प्राइमरी के पढ़े भाई, का करते शिक्षा में कछु घटते लगा दो है। वो 40,000 हमारो पैसा। आप लोगों को कह रहे हैं कि राशन दे दिया, रोजगार दे दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, तब भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है? हमें दिक्कत है ऐसा है मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यानी पेंशन बंद कैसे करते, 60 साल नौकरी करके आवे, 1 मिनट रुको है, पेंशन का सारे रोटी मिल जाए, जगह न्यू पेंशन स्कीम लाए तो है। अपनी चुना है गरीब बंद MP MLA मंत्री ने की वहाँ काट वहाँ बंद करे। क्या कहेंगे सर 400 पार का नारा जो भाजपा सरकार दे रही है? है जी 400 पार का जिस तरीके से नारा दे रही है कि अब की बार हम 400 पार लेके आएंगे और अपनी ही सरकार बनाएंगे, उस पे क्या कहेंगे आप? ये चल रही है अखिलेश वाली सरकार। हाँ तो कांग्रेस आनी चाहिए इसका मतलब? कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जो आप उनके साथ है? कांग्रेस ने किसान और मजदूर दोनों का साथ दिया है, भाजपा ने नहीं दिए किसान और मजदूर को? भाजपा झूठी सरकार है, इसने जितने वादे करे सब झूठे हैं, बिल्कुल खाली वोट लेनी है, उससे बाद में कुछ नहीं है। भाजपा ने तो 5 किलो राशन में सब खरीद लिए। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना कम से कम, कांग्रेस सरकार तो वो भी नहीं कर रही है। हाँ वो तो कांग्रेस के वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये तो 10 साल में हुआ है, 74 साल लोगों ने देश को आजादी हुई है, ये मोदी सरकार तो अब 10 साल में आई है, और 10 साल में सब मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद कर रहे हैं। बताओ क्या लोगों के 10 साल में तरक्की हुई है? तरक्की नहीं दिखी है आपको? क्या तरक्की दिखी है बताओ? किसी को किसी के नाम पे मार रहे हैं कि तरक्की हुई है? दाढ़ी वाले को मार रहे हैं, टोपी वाले को मार रहे हैं कि तरक्की हुई है हिंदुस्तान के अंदर? बताइए आप कहाँ से तरक्की हुई है?
सरकार का एजेंडा जब 2014 के 14 से आने से पहले से ही सेट था, तो आप ही लोगों ने वोट दे के जिताया है उन्हें? जब एक बार जिता दिया, दो बार तीसरी बार भी जिता दें? बताइए, तीसरी बार तो वो खुद कह रहे हैं हम आ रहे हैं। अब वो हार रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं। अब की ज्यादा ज्यादा उत्तर प्रदेश 40 सीट आएंगी बस। सिर्फ 40 सीट? 40 सीट। बाकी सीट किसको मिलेगी? इसको मिलेंगी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के साथ हैं आप लोग? हाँ। कहाँ से हैं आप सर? यहीं है। यहीं से? क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है भाजपा सरकार नहीं आने वाली, पत्ता साफ होने वाला है? पत्ता साफ होने वाला। अखिलेश यादव जिंदाबाद। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, और जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा 10 साल में, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बार जो आएगी तो भाजपा ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं। इस बार कहा जा रहा है कि इस बार अगर